और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमको कवर करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, अभी हाल ही में जो करतार सिंह यादव जी हैं, उन्होंने हमारे वर्तमान CDS से मीटिंग करी थी OROP को लेके, जैसे उसके हित में 3 तारीख की कॉल से पहले। और दूसरी अभी बात सामने है सतबीर सिंह जी, जो कि जिनके साथ 200 दिनों तक यहाँ पे JCO और OR रैंक के सिपाहियों ने हुंकार भरी थी, उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है इक्वल MSP के लिए। तो 45 दिन से तो अभी तक सोए हुए थे ये लोग अफसर लॉबी, कहा जा रहा था कि इस धरने को कुचल दिया जाए 30 दिन बाद, और आज इतने कैसे मेहर भर पा रहे हैं आप लोगों पे, क्या लगता है आपको इसके बारे में? आपने बहुत ही वाजिब मुद्दे उठाए हैं, बहुत सेंसिटिव पॉइंट लिए हैं आपने। पहले एक कर्नल साहब ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सोशल मीडिया पे भारत सरकार से अपील की थी कि इस धरने को कुचल दिया जाए, उन्होंने कुचलना शब्द क्रश कर दिया जाए, इस धरने को कहीं देर ना हो जाए, इस तरह का उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर मैंने पब्लिक को सामने लेकर आया। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। उसके बाद धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहा। आपने बताया ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब का नाम लिया, उनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है उन्होंने क्या बात की कैसे की, लेकिन मैं जो आपको बोलूंगा वो फैक्ट बोलूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बोलूंगा। माननीय जनरल सतबीर सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक लेटर लिखा है 31 मार्च को, जिसमें उन्होंने पूर्व के जितने भी हमारे JCO जवान हैं उनकी जो विसंगतियां हैं उनका कहा है कि इनके साथ विसंगतियां हुई हैं। बड़ी चतुराई से उन्होंने सपोर्ट शब्द लगा दिया कि ये भोले वाले जो JCO जवान हैं एक बार फिर हमारे झांसे में आ जाए, लेकिन अंदर का जो मसौदा है उस मसौदे को जब आप पढ़ेंगे तो वही चीज है जो पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उस मसौदे में वही चीज है, बोला MSP जो कि मता JCO जवान का बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं कहा समान होना चाहिए, कहीं नहीं कहा कि इनका जोखिम ज्यादा है इनको ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, उसी तरीके से उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की बात की है, 15,000 कम से कम मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि सबको मिलनी चाहिए, अफसर्स को तो वही परसेंटेज के हिसाब से। तो 15,000 का तो रिकमेंडेशन 7वां पे कमीशन पहले ही कर चुका था, उसको गलत कटवा के उन्होंने फिर से 30% बेसिक पे का मुद्दा लिया, उसके हिसाब से उनकी तो 50,000 से भी ऊपर गई और जवान तो 10,000 से नीचे रह गया, 8,000 और 7,000 रुपये रह गया। ये सब धकोलेबाजी है, गुमराह करने वाली बात है, लेकिन आप गुमराह नहीं होंगे। देखा गया कि JCO के अलावा अदर रैंक्स भी होती है सेना में, उनके हित की कोई बात नहीं की गई उस खत में? नहीं, उससे पहला खत है वो जिसकी आप बात कर रही हैं, पहले वाले खत में JCO के लिए उन्होंने मांग की थी, जवानों को छोड़ दिया था। इसका मतलब सीधे से समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में फूट डाल दो, इनको अलग अलग कर दो, फूट डालो और राज करो जी। वो पॉलिटिक्स, अरे पॉलिटिक्स का और सेना का तो कोई मेल ही नहीं है। हम तो वो सैनिक हैं, अनुशासित सिपाही हैं कि जो अपने सीनियर के आदेश पर अपनी जान देने के लिए बॉर्डर पर हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस तरह से जो गुमराह किया गया ये गलत है, वो उजागर कर दिया गया है और अब कोई झांसे में नहीं आएगा। अच्छा, तो टीवी पैनलों पे दहाड़ते हैं बब्बर शेर की तरह, 3 तारीख की बड़ी कॉल भी हो गई, 45 दिन का धरना भी निपट गया, अभी 46वां दिन लगने जा रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है अभी तक? क्या बात कर दी मैडम आपने, सच में मानना पड़ेगा आपकी कवरेज को। मेरे सैनिक, मेरा सिपाही, अरे ये दिखावा है दिखावा। आज उनका सैनिक सड़क पर पड़ा हुआ है, 45 दिन हो गए, कहाँ गए वो जनरल साहब? ये ढोंग है ढोंग, अरे ये दिखावे वाले ढोंग है मैडम जी, वो कहीं नहीं है, अपने अपने बिलों में छिप गए। क्यों नहीं बोलते वो आके कि भाई आप क्यों हो, एक बार भी नहीं, ये सब दिखावा है। सेना के लिए समय समय पे आवाज उठाते, पुस्तकें लिखते हैं वो सेना की लाइफस्टाइल पे। क्या सेना का उनकी कोई पुस्तक ये जवान खरीद सकता है? 2800 रुपए, 3500 रुपए उन पुस्तकों की कीमत होती है। वो करते हैं सेना के लिए मुद्दा उठाते हैं, वो अपनी रोजी रोटी सेकते हैं, वहाँ पर उनको मिलता होगा कुछ, सेना के हित में तो कोई बात अभी तक निकल के आई नहीं उनकी तरफ से। ORP के लिए कुछ आया हो
तो बताइए आप। और जहाँ तक उनकी बात है, जवानों के लिए या जेसीओ के लिए कहीं हमें खड़े दिखाई नहीं दिए अभी तक, ना कोई उनकी ऐसी प्रतिक्रिया आई है। वो टीवी में चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बात अलग है। कोई सिलसिले में ना बात करूँ, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली जो ये विसंगतियाँ आज हम झेल रहे हैं, इसका फर्स्ट रीजन क्या है? हमारी मानसिकता, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, मानसिकता ये है कि हमारा जो आर्मी है वो अभी तक जो ब्रिटिश के रूल्स था उसी के हिसाब से चलती आ रही है। आप देखिए, उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, जो अधिकारीगण थे, वो सारे ब्रिटिश वाले हुआ करते थे। जो JCOR थे, जो रैंक था, ये इंडियन हुआ करते थे। वो कल्चर अभी तक चेंज नहीं हो रहा, वो मानसिकता में अभी तक भरा हुआ है। मैं कई बार ऐसे देख चुका हूँ। आज यार रैंक स्ट्रक्चर आप देखिए, उनका रैंक देख लिए सारा इंग्लिश स्टाइल से, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, और इधर JCOR का रैंक सिपाही, लांसनायक, नायक, हवलदार। ये क्यों? जब एक ही देश में, एक ही जगह के रहने वाले, एक ही सेना में काम कर रहे हैं, एक के रैंक भारतीय और एक के रैंक अंग्रेजी पर, ये विसंगतियाँ तो वहीं से शुरू हो गई। वो हम लोगों को उस लेवल पे समझ ही नहीं रहे। अगर वो चीज़ समझे होती, ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी ना, उसकी वजह, उसका ये रिजल्ट है हमारे पास जो हम लोग भोग रहे हैं। कि हमारी जो, जब हम एक देश हित की बात करते हैं, तो हमारा कानूनी व्यवस्था जिस तरीके से, उसी तरीके से हमारे आर्मी में भी वो एक देश के रूप में ही सारे रैंक वाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि JCOR कोई अलग सूत नहीं है, ये भी हमारे पार्ट हैं। हमारे ही बीच में से जब लोग अफसर बन जाते हैं, वो JCOR को अलग नज़र से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो मानसिकता चेंज होनी चाहिए। अभी कुछ PPOR करके भी बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, अब देखिए, अब PBO पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक सबको मिला दिया। आप उसमें देखो तो JCO जूनियर कमीशन अफसर है, जब लड़ाई लगती है एक उसको टुकड़ी का पूरा बना के JCO को आगे दिया जाता है लड़ाई में। मगर वहाँ एक वो PBOR बनाने का मतलब ये है कि जो JCO को या अदर रैंक्स को जो फैसिलिटी मिली वो ना मिले, और उनमें सारा जो 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 चीज़ का फैसिलिटी है या गवर्नमेंट से जो है वो ऑफिसर्स लें, और इनको ना मिले, इनको सब एक जगह, वो गलतियाँ हैं। तो ऐसी चीज़ों का मैं बोलता हूँ कि ये अगर शुरू से सुधार हुआ होता तो ये आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आती। पर जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये सारी चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं। अगर आप इस पे डिस्कशन और आप डीपली देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं जो अन्याय है, वो हमारे साथ सैनिकों के साथ जो हो रहा है, वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुआ है। इनका मैं सम्मान करता हूँ, आपसे सबसे बोलता हूँ तालियां पीटे। 20 तारीख से केरल से, 20 तारीख से जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, 20 तारीख से दोनों भाई यहाँ बैठे हुए, इनके साथ ही वापिस चले गए। ये है वो देश के सैनिक जो बॉर्डर पर से नहीं हटे। उसी तरह से कि इन्होंने मान लिया कि ये हमारा बॉर्डर है, हम अपना लक्ष्य, अपना हक यहाँ से लेके रहेंगे, इसलिए डटे हुए हैं। और इनके भाई वहां पर ज्ञापन दे रहे हैं, डे टू डे अपडेट ले रहे हैं, तो ये हैं इनके भाई। ऐसा कुछ सुनने में भी आया है कि अफसर लॉबी के कुछ अफसर आप लोगों के साथ 3 तारीख की जो बड़ी कॉल थी उसमें ज्ञापन सौंपने तक गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस तक। ऐसा कहीं से कोई नहीं है। अफसर सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे अफसर मिलना चाहते हैं, बहुत सारे अफसर पर्दे के पीछे कहते हैं कि इनके साथ विसंगतियां हुई हैं, लेकिन वो सामने भी आना चाहते हैं, और आपको पता होगा आए भी हैं यहाँ पर, 3-3 घंटे आके इंतजार करके गए, लेकिन हमने कभी अफसर को अब ये मंच नहीं दिया है, क्योंकि ये मंच और माइक अब JCO जवानों के हाथ में है। अगर उनको सपोर्ट करना है, कुछ अपन बाहर से करिए, जो करना है करिए, वहाँ बोलिए, मीडिया बोलिए, अपनी तरफ से बोलिए, इस मंच से नहीं। MSP की जो शुरुआत हुई थी, ये 99 का जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उस वक्त देश के जितने भी हमारे लोग थे, नेता थे, बोला नहीं सैनिकों को सम्मान देंगे, तो इनका बोला जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं इनको रिस्क बहुत ज़्यादा है, JCO जवान का रिस्क ज़्यादा है, तो वी शुड ग्रांट द MSP, इनको जो है मिलिट्री सर्विस में देनी चाहिए। वो होते 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 लागू तो हो गई, वो थी JCOR के लिए, अल्टीमेटली वो उस अफसर भी इंक्लूड कर दिए, चलो कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद जब उसके पैसों की बात आई कि इसका अलाउंसेस फिक्स किए गए, फिक्स में जबकि JCOR का जो फ्रंट लाइन जिनके लिए किया गया था एक्चुअली, उनको कुछ नहीं मिला, उनको 5200 दिए गए, और जो अफसर लॉबी है हमारी उनको 15800 रुपये। एक तबका होता है हमारे यहाँ पे MNS मल्टी नर्सिंग सर्विस, जबकि वो अपना हॉस्पिटल्स में दे आर प्रोवाइडिंग द गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, बट दे आर नॉट कम्स अंडर द कम्पिटेंट कैटेगरी,
उनका भी 10,500 रुपये और जेसीओ जो वर्ग का 5,200 रुपये। अल्टीमेटली सर भी जब तक वो ऑन ड्यूटी रहता है वहाँ तक तो वो बेचारा घाटा होता ही है, इससे फाइनेंशियल लॉस होता ही होता है। आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ जंतर मंतर में बैठता है, एमएसपी बेचारा वो ठगा गया। उसके बाद इनका जो नेशनल पेंशन बोलते हैं जो फिटमेंट फैक्टर किया था इनका 1.51 से मेरे ख्याल से है जेसी जवार का, अब सच का 1.71 से 1.80 एमएसपी में मारा गया। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर में मारा गया और डिसेबिलिटी अलाउंसेस, ये विसंगतियाँ विसंगतियाँ होती गई हैं। आज जो नाम के लिए तो आरोपी हो गई है गवर्नमेंट सीना ठोकरी, हमने आरोपी लागू कर दी, लेकिन धरातल पे तो किसी को कोई फाइनेंशियल फ़ायदा मिला ही नहीं है। उसका नतीजा है कि आज यहाँ पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे जवान हमारे लेटे हुए हैं जंतर मंतर पे। देखो परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, सरकार को, और ये जल्दी इस पर अपना कुछ फैसला लें।